खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं कनिका अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। राष्ट्रीय हिंदू युवा संघ की एक आवश्यक बैठक श्री रामचंद्र जी मंदिर खिया मंडी मथुरा में रखी गई। इस बैठक में सभी को नियुक्ति पत्र व आई कार्ड वितरित किए गए। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सिसोदिया द्वारा मथुरा के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा को नियुक्ति पत्र दिया गया। सभी अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सिसोदिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रवीण सिंह व प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, श्री रामजी, योगेश सिसोदिया, आनंद महेश्वरी, पवन, उपेंद्र चतुर्वेदी, अभिनव, सुनील कांत शास्त्री, दीनदयाल शर्मा, मनमोहन अग्रवाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और सभी अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। हमारा मुख्य उद्देश्य हिंदू व हिंदुत्व को मजबूत करना व मुश्किल समय में हर हिंदू के काम आना, बेरोजगार हिंदुओं को सरकारी रोजगार के लाभ प्राप्त कराना व सशक्त करना है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पवन सिसोदिया है और मैं अपने राष्ट्रीय हिंदू युवा संघ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये हमारे राम जी महाराज, लक्ष्मण शर्मा जी, ये जिलाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हिंदू युवा संघ के और ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं ठाकुर प्रवीण बालूदिया जी, ये सुनील कांत शास्त्री जी हैं जिला उपाध्यक्ष, ये दीनदयाल भाई साहब हैं, दीनदयाल शर्मा जी, ये जिला सचिव हैं यहाँ के। आज हम लोगों ने एक बैठक रखी थी राष्ट्रीय हिंदू युवा संघ की, जिसमें कार्यकारिणी के जो नए सदस्य जुड़े थे उनको नियुक्ति पत्र बांटे गए और आइडिया बांटी गई। और हमारा संगठन जो हिंदुत्व के लिए हिंदुओं के जितने भी बेरोजगार युवा और युवक और युवतियां हैं उनको रोजगार के अवसर देने के लिए प्रयासरत था और जो अवसर हमारे पास हैं उसके विषय में जानकारी दी गई कि हम लोगों को रोजगार कैसे देंगे।